मुबारकबाद देने के लिए आज हमारे हरियाणा साथ विकास पार्टी का इंतजाम किया है। ये हमारे तेलंगाना की तहसीब है। आज गंगा जमुना तहसीब किसी स्टेट है वो एक तेलंगाना स्टेट है। आज आप हिंदुस्तान देख लीजिए किस तरह हिंदुस्तान चल रहा है, किस तरह हिंदुस्तान में बने चलने के हालात है। हमारी स्टेट बनने के बाद हमारे आदरणीय सीएम साहब ने तेलंगाना स्टेट को जो डेवलप किया है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। हिंदुस्तान में कोई नंबर है वन है तो वो तेलंगाना स्टेट है, और नंबर वन है तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब चंद्रशेखर राव साहब है, और उसके बाद नंबर वन एमएलए है, नंबर वन मिनिस्टर तो हमारे अजय भाई साहब है, उनको दिल्ली के हाथ में मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों से एक चीज अपील करने के लिए आया हूँ। अब देख चुके हैं हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे, आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में किस तरह हम लोग रहते थे और तेलंगाना बनने के बाद हम किस तरह तरक्की कर रहे हैं। आज हमारे रिसर्च स्कूल पर हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद 2000 करोड़ का खर्चा किया है, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि मुसलमानों को अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए ताकि वो दुनिया में और कहीं भी दुनिया में जाए और अच्छी जिंदगी कर सके। आज जो ये जो हमारा रिसर्च स्कूल एक तो नहीं 65 साल में थे और आज सीएम साहब ने 8 साल के अंदर 204 रिसर्च स्कूल कायम किए, जिसमें आज 1,40,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और दीनी तालीम दी जा रही है, नमाजों का एहतमाम किया जा रहा है। इमाम और मोहतरम साहब को जो हदिया दिया जाता है इससे पहले कभी भी नहीं मिला 65 साल में। तेलंगाना बनने के बाद सीएम साहब ने 10,000 मस्जिदों में इमाम और मोहतरम साहब को 5,000 रुपए का हदिया दे रहे हैं, उसमें 370 करोड़ रुपए मंजूर तेलंगाना बनने के बाद दफ्तर में इमाम और मोहतरम साहब को दिया जाता है। बहुत से फैमिली काम किए गए और सबसे अहम काम सीएम साहब ने शादी पार्टी की दिलाई, और जानते हैं 1800 करोड़ का खर्चा हुआ है और दो हमारे 8 साल के अंदर 8.5 साल में 2,28,000 मुस्लिम बच्चे की शादी की है। ये हमारे सीएम साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। मैं तमाम मुस्लिम भाई से कहता हूँ तेलंगाना राष्ट्र समिति जो पार्टी बनी थी वो तेलंगाना के लिए बनी थी, आज भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी जो हमारे आनंद सिंह साहब ने ऐलान किया ये हिंदुस्तान के लिए। सीएम साहब यही चाहते हैं तेलंगाना में जो गंगा जमुना तहजीब है वो हिंदुस्तान में उसी तरह तहजीब है, हिंदू और मुस्लिम मिलजुल कर अच्छी प्यार की जिंदगी गुजारे। इसलिए मैं इजलास से आज कहता हूँ आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खासतौर से मेरे मुस्लिम भाई को रमजान का महीना इफ्तार में बैठे मैं गुजारिश करता हूँ आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए हमारे सीएम साहब के हाथ मजबूत करें। सीएम साहब के हाथ तभी मजबूत होते जब अजय साहब के हाथ आप मजबूत करें, ये इनका हाथ जो है धाम के रहे और इस हाथ को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्शन जल्दी आने वाला है, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। पहले मैं से कहता हूँ मुस्लिम हमेशा केसीआर साहब के साथ है, तेलंगाना स्टेट में नहीं जब से भारतीय राष्ट्रीय समिति बना है कई मुसलमान एहतमान आ रहे हैं मुझसे मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इस स्टेट में जब हम देखते हैं तो आपकी स्टेट में तहजीब है जो भाईचारे है जो लोगों में प्यार और मोहब्बत है हिंदुस्तान में कहीं भी नजर नहीं आता। यही चाहते हैं केसीआर साहब के हाथ मजबूत करें आगे बढ़ाए ताकि हिंदुस्तान में अमन और भाईचारगी रहे। अगर हिंदुस्तान में तरक्की देना चाहते हैं तो एक जगह जुड़ना चाहते हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे सीएम साहब के आप मजबूत करना हमारे तमाम भाई की जिम्मेदारी है। केसीआर साहब कैसे मजबूत होते मैं यह समझ के लोगों से कहता हूँ अब अजय भाई के हाथ मजबूत कर देंगे मेरे जितना ही के हाथ मजबूत करेंगे उतना हमारे सीएम साहब मजबूत होंगे। अब हमारी स्टेट में बड़ी मेहनत से जो है हमारी पार्टी को मजबूत करना यह हमारी जिम्मेदारी है। आप जानते हैं आप लोग सब चीज जानते हैं 2014 से पहले मैं आपसे कहता हूँ हमारा स्टेट के अंदर हर चीज में हम परेशान थे, पावर हमारे पास नहीं था, पानी हमारे पास नहीं था, मुलाजिम के हमारे पास नहीं थे, लैंडर पर अच्छा नहीं था, हमारे फार्मर सुसाइड करते थे, तालीम में हमें पूरा मुसलमानों को टोटल नजरअंदाज किया गया था। 65 साल के दौर में 12 स्कूल बोले थे और सीएम साहब ने 3 साल के अंदर 204 स्कूल कर जो बात तारीख में ये बात बता दी जब तक हम मुसलमान भाइयों को अच्छी तालीम नहीं देंगे तो तरक्की किस तरह कर सकते हैं। इसलिए भाइयों आज मुझे हमारे मिनिस्टर साहब ने आज इफ्तार के लिए मुझे बुलाया मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों के साथ बैठकर मैं भी इफ्तार करना चाहता हूँ, आपकी दुआएं लेना चाहता हूँ। आप देख लीजिए हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जब पहले कैदियों की हुकूमत थी 65 साल दौरे 48 साल कांग्रेस की हुकूमत थी 17 साल तेलुगु देशम की हुकूमत थी क्या किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम का अहदा दिया गया, कभी मुसलमान को रेवेन्यू मिनिस्टर का अहदा दिया गया या कभी होम मिनिस्टर का अहदा दिया गया। ये सब
سيئة ساتھی مہربانی ہے تاکہ مسلمانوں کی حمد بتائی دیتا ہے مسلمانوں کو بتا جائے کہ مسلمانوں کو بتا جائے ہماری اسٹیٹ میں مساوات ہے ہماری اسٹیٹ میں ایکجنٹی ہے ہماری اسٹیٹ میں بھائی ہے اسٹیٹ میں بھائیوں وقت ابھی تھوڑا دو منٹ کے بعد دعا کی بھی ضرورت ہے اس لیے ہمارے علماء حضرات ہیں موجود ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں نماز کے بعد ہر کوئی سی ایم صاحب کے لیے دعا کرتا ہے اور آپ سے بھی گزارش ہے سی ایم صاحب کے لیے دعا کیجیے اجے بھائی کے لیے دعا کیجیے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم میں ٹی آر ایس پارٹی آ جائے تو ٹی آر ایس پارٹی ہوگی پہلے سے بھی زیادہ وجے صاحب اجے صاحب کی مدد کرنے کی ضرورت ہے ان کو طاقت دینے کی ضرورت ہے ان کو جتانے کی ضرورت ہے کیونکہ میں بتاؤں میں زیادہ وقت بول نہیں سکتے یقیناً ابھی پانچ آدمی باقی ہے مجھے معلوم ہے گھڑی میں فالو کر رہا ہوں بالکل ان شاء اللہ ابھی دعا دی جائے گی اور میرے بھائی میں تمام میرے بھائیوں کو کئی بار میں اس سے پہلے بھی ہر الیکشن میں برابر آتا ہوں آپ سے ملتا ہوں آپ سے آج یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کا اللہ تعالیٰ اچھا رکھے توفیق دلائے ہمیشہ اجے بھائی کے لیے ابھی ہمارے ایم پی صاحب نے کہا اجے بھائی کو اجے خان کہتے ہیں جو گئے تھے بہار کو محبت کی وجہ سے کہتے ہیں ان کے اخلاق کی وجہ سے کہتے ہیں سب سے جبل میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مجھے پیار سے پیار سے پانی میں آئے پہلے سے بھی بھرنی کے لائٹ سے ہمارے اجے بھائی کے ساتھ تعاون کیے ان کے ساتھ رہیے اور اللہ نے ہم سب کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بنائے یقینا 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 سب کے ساتھ سرکار کی مہینے کا آخری جمعہ کل ہے اور پرسوں میرے نام میں اجازت چاہتا ہوں محمود علی صاحب سے بات کرنے کے لیے اس کے بعد جو ہے پھر افطار کا ٹائم ہوگا اور خیرت رستہ اسی لیے اپنے محمود علی صاحب سے پہلے بات کرانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ ان جلسے سے آپ تھوڑے انصاف انداز پیش کریں اللہ حافظ